लिखना सीखकर परमेश्वरी ने अपने पति महादेव के कहने पर प्रोफेसरी के लिए खास कतरी सी ली। वो कतरी उसका प्राण थी। शहर से आए कुछ कार्यकर्ताओं को दिखाने के लिए गोविंद और मच्छिंदर चुपके से वो कतरी ले आते हैं। परमेश्वरी का दिल टूट जाता है। पर शहर वाली उसे समझाती है और उसके मन में दूसरी औरतों को साथ लेकर ऐसी और भी कथियां सीने की उमंग पैदा कर देती है। तेरी तो हर बात उल्टी पुल्टी होती है और मेरी तो डर के मारे जान निकली जा रही है। क्यों डांट रही है उसे? अगर एक भी औरत कथनी लेके नहीं आई तो उन शहर वालों को क्या लगेगा? हा? इसकी तो बस यही आदत है, गले में पत्थर बांध के पानी में कूद जाती है और सांस हम देखने वालों की अटकी रहती है। ले, खट्टी चाची आ गई। इतना सज धज के आई है जैसे किसी के बारात में जा रही है। अच्छा देखा, मैंने कहा था ना कि देवरानी ऐसा सच के आएगी जैसे दूल्हे की माँ बनी हो फिर से। रुको, मैं हम तीनों को नथे लाई हूँ, पहन लो जल्दी से। ये तेरी, पहन पहन जल्दी से। जुबेदा बी को देख। अरे खूब जानती हूँ, नए झुमके है ना तेरे। अरे तुझे क्या लगा ये मैंने नहीं बनवाए? अरे ये शकीला की माँ ने मुझे उनके शादी में दिए। हाँ मेरे वाले अब पुराने हो गए ना, तो शकीला बोली आम्मी जान वो क्यों नहीं पहनती करके पहन लिए। मैंने बोला तेरा दिल नहीं तोड़ूंगी, हाँ इसलिए पहनी। एक मिनट, ये मजदूरी जैसा नहीं है। हम एक एक करके अगर कोई भी चीज बनाएं और फिर उसे बाजार में बेचने जाएं तो फायदे के बजाय नुकसान होगा ही, क्योंकि हर एक अगर अपनी कथड़ी लेकर बाजार में उसे बेचने जाएगी तो आने जाने का गाड़ी भाड़ा तो जाएगा ना, ऊपर से आप सबका समय बर्बाद होगा। इसके बजाय अगर आप में से कोई एक सबकी कथड़ियां लेकर उसे बाजार में बेचने जाए तो सबसे पहले तो आपका गाड़ी भाड़ा बचेगा और ऊपर से आप सबका समय बचेगा। मेरी बहू तो इतनी दुबली पतली है, मैं उसे सबका बोझ नहीं उठाने दूंगी। तो क्या हमारी द्रुपदा मोटी बनी बैठी है? अरे ऐसा काहे को बोलती है, झगड़ा क्यों करती है? मेरी इंदू तो इतनी सी जान है। फिर वही बात मत दोहरा, तूने एक बार पाटिल जी से कहा ना कि तू इंदू को इतनी सी जान नहीं कहेगी। हाँ, वो तो ठीक है, शादी के लिए वो इतनी सी जान नहीं है लेकिन काम के लिए जरूर है। यहाँ की मजूरी तो मारी जाएगी पर सर पर बोझ उठाने से वहाँ वो पैसे मिल सकते हैं तो मैं अपनी नानी बहू को भेज सकती हूँ, वो बिल्कुल हट्टी कट्टी है खा पी के। क्या मतलब है तुम्हारा? खाने को मिलता नहीं इसलिए द्रुपदा खा पतली है? अरे हमारे लक्ष्मी की कलाई देखो एक बार। अरे मैंने कब कहा तू अपनी बहू को भरपेट खाना नहीं देती? हा? मैं क्या मतलब समझती नहीं? क्या सारा बोझ उठा के अकेली लड़की पैदल जाएगी? हा? बाजार में तो हम सब मिल के जाती है, ये क्या सजा हुई? हा? कि वो अकेली बोझ उठाकर शहर जाए, वो भी कथरी बेचने। देखो पर चिल्लाती फिरेगी, कथरी ले लो, कथरी ले लो। और
देखिए देखिए, मेरे ये कहने का मतलब बिल्कुल नहीं था। अब इधर उधर की बातें बंद करके कुछ मतलब की बात कहो, वो सुनने हम यहाँ आए हैं। आप लोग जरा दो मिनट अगर शांति से बैठेंगी तो ये भाई साहब आपको सहकारी मंडली के फायदों के बारे में बताएंगे। थैंक यू मेटा। नमस्कार बहनों, आपको तो जाल में फंसे हुए पंछियों की कहानी जरूर मालूम होगी। है? हम क्या पंछी है? पंछी? और जाल किसने फैलाया है? इन्हीं लोगों ने फैलाया होगा। सुनो तो। अरे बुआ जी, ये तो मैं मिसाल के तौर पे कह रहा था। अब देखिए, आप सभी गांव के लोग फसल के बाद गर्मी में जब पानी की कमी होती है तो खाली हाथ बैठे होते हैं कि नहीं? क्यों, गर्मी के भी कितने काम होते हैं। हाँ? मिर्च मसाला पीसते हैं, अनाज सुखाते हैं। हाँ, खाली हाथ क्यों बैठेंगे, कथरी जो बनाते हैं। सो तो है, मैं जानता हूँ कि आप औरतें खाली नहीं बैठती। मैं भी तो गांव का ही हूँ। गर्मियों में शादी ब्याह का मौसम खत्म होने के बाद खेतों में काम बंद हो जाता है, इसलिए मजदूरी भी बंद हो जाती है। और ये जो मिर्ची पीसने वगैरह का काम है, ये कितने दिन करेंगे आप लोग, ये भी खत्म हो जाते हैं। बस सिर में गर्मी लेकर बारिश की राह देखते उदास मन बैठे रहते हैं गाँव वाले। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। भला ये कैसे जानता है गाँव की बातें? माई, हमारे देश के कितने सारे गाँव में ऐसा ही होता है। हाँ ठीक है ठीक है। इसीलिए मैंने कहा, गर्मियों में हम जाल में फंसे हुए पंछियों की तरह होते हैं। हाँ हाँ, आगे बोलो। तो अगर हम ऐसा कुछ काम निकालें कि गर्मियों में भी मजदूरी मिले तो हमारी चिंता कम हो सकती है। तुमने हमें कथरी लाने को क्यों कहा? वही तो, ये काम कथरी सीने का भी हो सकता है। पर घर में इतने कपड़े थोड़े निकल सकते हैं कि घर के लिए भी कथरी बना और बेचने के लिए भी। मुश्किल से एक कतरी बना पाते हैं साल भर में। हाँ। साहब, शहर के लोग क्या पागल है जो हमारी पुरानी कतरी खरीदेंगे? आपके सभी प्रश्न बिल्कुल सही हैं। इसीलिए तो सहकारी मंडली बनानी पड़ेगी। आप नया सामान खरीदेंगे, कतरी सिलेंगे और हमारी मदद से उसे शहर में बेचेंगे। पर नया सामान खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? बैंक कर्जा देगी। क्या पूरा कर्जा बैंक देगी? बैंक कहेगी थोड़े पैसे आप जमा करें, थोड़े हम देंगे। बस तो बन गई सहकारी मंडली। पैसा नहीं इसलिए मंडली बनाएंगे, और मंडली बनाने के लिए पैसे लगेंगे। हाँ, ये सब गोलमाल की बात है। नहीं बुआ जी, इसमें गोलमाल की कोई बात नहीं है। बस थोड़े थोड़े पैसे बचा के हम पूंजी बढ़ाएंगे, और कतरी बेचने के बाद सबसे पहले सामान का खर्चा देंगे, फिर मजूरी का खर्चा निकालेंगे, और फिर जो मुनाफा होगा उसे सहकारी मंडली की पूंजी बढ़ाएंगे। धीरे धीरे मुनाफा बढ़ता जाएगा तो सहकारी मंडली उस मुनाफे से अपने मेंबरों को लाभ देगी, और उस पूंजी से अगर किसी मेंबर को मेंबरों का मतलब आप सब। तो हमको मेंबरों को क्यों कहते हैं? मेंबर यानी सभासद। मेंबर मतलब आप सभी लोग। जैसे आपको किसी चीज की जरूरत हो, शादी ब्याह का मामला हो या कोई बीमारी हो। और अगर गाय या भैंस खरीदनी हो तो? हाँ हाँ, तो भी। और क्योंकि ये कर्जा आप अपनी ही मंडली की पूंजी से ले रही हैं, तो जो ब्याज आप साहूकार को देती उससे कहीं कम ब्याज आपको देना पड़ेगा। अगर ये बात है तो सहकारी मंडली बड़ी फायदे की होगी। हम लोग भी तो यही कह रहे हैं। अब सिर्फ दो बातों का ध्यान रखना है। अब क्यों डरा रही हो? डरने की कोई बात नहीं है। बात इतनी सी है कि हमें सिर्फ सुंदर कथरियां सीनी है, और हिसाब किताब एकदम साफ और पक्का होना चाहिए। क्यों परमेश्वरी, तुम्हें क्या कहना है? मुझे तो ये सुझाव बहुत अच्छा लगा। जो काम हम बरसों से करते आए हैं वो दूसरों के काम आएगा। सोचो तो, सर्दियों में शहर के बच्चे और बूढ़े हमारी सी हुई कथरियां ओढ़ के सोएंगे। Ah!
सासू, लेकिन इतना बड़ा पुल चंदर अकेले कैसे बांधेगा? अरे चंदर नहीं, हनुमान, हनुमान। आसू, हनुमान अकेले कैसे बांधेगा? अरे अकेले क्यों, वो तो अपनी पूरी वानर सेना लेकर आएगा। देख, ये छोटे छोटे लोगों के साथ साथ काम करने से ही बड़े बड़े काम आसान आसान बन जाते हैं। हम आ गए, जय सिया राम की। हाय रे मेरे सपूत, ये कहां से लेके आया तू? ये क्या खाक पुल बांधेंगे? वासु, तू इन पे क्यों बिगड़ रहा है? वासु देख, देख, देख इनकी भोली सूरत देख। कहां बांधना है पुल? नदी किधर है? बच्चों, ये नदी और पुल की क्या बात कर रहे हो तुम लोग? हमें सेतु बांधना है महासागर पर। महासागर पे पुल बांधना है? और बस दो दो रेवड़ी, हम चले, चलो। अरे कहाँ जा रहे हो तुम लोग? ऐसे कहाँ चले, ये तो रेवड़ी निकालो। इन बच्चों का हृदय मत तोड़ वासु। मैं श्रीराम, ये वानर सेना मुझे मंजूर है। मैं शूर्पनखा, मुझे भी मंजूर है। मैं हनुमान, मुझे भी मंजूर है। मगर सीता माई कहाँ है? ए चुप रे, वो अशोक वन में है। अगर आप सबको मंजूर है तो मुझे भी मंजूर है। अच्छा ठीक है, ठीक है। देखो, अब तुम सब लोग एक कतार करके खड़े हो जाओ और सेतु बंधन के मूड में चले जाओ। चलो। अरे कहाँ चले? नहीं तो कहाँ की चले जाओ। दाहिने मुड़। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये जो वानर लोग हैं, वो बहुत गरीब हैं। ना उनके पास पैसा है, ना कोई साधन। मगर उनके पास एक ऐसी चीज है जिससे वो कुछ भी कर दिखा सकते हैं। बोलो क्या? क्या? उनकी एकता। क्या? एकता। हाँ। अब एकता के बल पर वो छोटे छोटे पत्थर समंदर में डालते जाएंगे, जिसका जितना हाथ बड़ा या छोटा, उतना ही छोटा या बड़ा पत्थर बोल आएगा। तुमने सुना नहीं, एक छोटी सी गिलहरी ने भी बंदरों का हाथ बटाया था। अच्छा? हाँ। अब एक पत्थर आया छोटा, फिर और पत्थर, फिर और पत्थर, फिर और पत्थर। छोटे छोटे पत्थरों से पुल बन गया। वासु, क्यों ना हम एक एक रुपया जमा करके पूरी रामलीला करके दिखाएं? सिर्फ आपनों को ही नहीं, आसपास के गांव वालों को भी। वासु, दादी तो कह रही थी कि वो एक एक रुपया जमा करके मेरी दुल्हन के लिए गहने बनाएगी। पहले थोड़ा थोड़ा पैसा बचाएंगे और फिर थोड़ा सा टिकट लगा कर रामलीला की जाए तो। चीची, रामलीला में टिकट? नहीं नहीं, टिकट मतलब वैसा टिकट नहीं। पर कंदर सही कह रहा है, लोग अपनी अपनी इच्छा से पैसे देंगे और फिर उस मुनाफे से हम अपने कपड़े और गहने रखने के लिए बड़ा सा बक्सा बनवा सकते हैं। अपने रावण के लिए भी कपड़े और गहने बनवा सकते हैं। क्यों? अच्छा।
सासू जी, सभी आलू की सब्जी बना दूं? अरे पागल हो गई है क्या? आधे आलू ही बना, गर्मियों के दिनों में आधे आलू बचा के रखने में ही अकलमंदी है। मगर खाने वाले 10 मुझो है। तो क्या हुआ, औरत होकर भी चीजों को बचाना नहीं जानती? जी अच्छी तरह से जानती हूँ। तो सासू जी, थोड़े थोड़े पैसे अपनी सहकारी मंडली के लिए भी बचाने चाहिए ना। क्या मतलब? बचत की सलाह तो आप ही दे रही थी ना। ये ले 11 रुपए का पाव भर तेल ले। क्या ले? अब जा। ये क्या किया अम्मी तूने? 1 रुपए तो निकाल लिया, कितने रुपए का तेल लाऊं? 11 रुपए का तेल लेके आ पाव भर। ये क्या झमेला है, तूने तो 10 रुपए दिया और 11 रुपए का तेल लाने को बोला। अरे तो तुझे 11 रुपए नहीं दिए मैंने? हाँ पर 1 रुपया तो निकाल लिया ना। अरे तेरे समझ में नहीं आई बात, इस महंगाई के जमाने में ऐसा करना ही पड़ता है। अब तू क्या कर, बनिया के पास जा, हाँ उसे बोलना 11 रुपए का पाव भर तेल दे दे, हाँ और तू उसे देगी 10 रुपया, है कि नहीं? तो उससे बोलना थोड़ा सा तेल निकाल ले, तो बच गया कि नहीं 1 रुपया। हाँ मतलब? मतलब हम कहते रहेंगे कि बनिया से 1 पाव तेल लाए हैं, और पाव तेल जितने दिन खाते हैं उतने दिन वो कमती वाला तेल खाएंगे, फिर बचा कि नहीं 1 रुपया। हाँ बड़ा ही टेढ़ा हिसाब है। अरे सुनो, जरा 5 रुपए दिखाओ तो। 5 रुपए? कहाँ के 5 रुपए? वो जो तुम छोटे मटके में रखती हो। अरे एक बार तो दिखाओ। अच्छा तो तुमने पहले से ही मेरी चीजें उथल पुथल कर ढूंढ निकाले हैं पैसे? अरे मैं तो ऐसे देख रहा था, अभी बड़े भैया यहाँ पे नहीं है तो घर की सब चीजें ठीक ठाक है या नहीं ये तो मुझे ही देखना है ना। तो घर के देखभाल करते समय आपकी नजर उन पैसों पर पड़ी? बिल्कुल। निकालो मेरे 5 रुपए, पिछले 2-3 हफ्तों से मैंने थोड़े थोड़े करके जमा कर रखे थे, निकालो मेरे पैसे। निकालो, निकालो, दे दो, दे दो, जल्दी दे दो। देता हूँ ना, ये रे 2 की 1 नोट है, 3-3 1-1 रुपए की 3 नोट है। अरे सुरु, मैंने जो अभी 5 रुपए दिए थे 3 रुपए तू रख ले और 2 रुपए मुझे दे दे। तुमने दिए थे? अरे मैंने अभी नहीं दिए। दिए? किस दिए पे लड़ रहे हो? क्या है माई, मैंने अभी सुरु को 5 रुपए दिए और 2 रुपए मांगे तो मुझे आंखें दिखा रही। इन्होंने कहा 5 रुपए दिए, वो 5 रुपए तो क्या झूठ बोल रही है? मैं अभी पानी पी रहा था तब मैंने तुझे 5 रुपए नहीं दिए। अरे फिर झगड़ किस बात पे रहे हो? मैंने 5 रुपए दिए और 2 रुपए मांगे, तू ये खिच खिच कर रही है। सासू जी ये तो झूठ मत बोल। अरे आदमी की भी कोई इज्जत होती है, मैंने 5 रुपए दिए और 2 रुपए मांगे। पिछले हफ्ते भी तुमने ऐसा ही किया था। पिछले हफ्ते मैंने 7 रुपए देकर 5 रुपए मांगे थे। अरे क्यों चिल्ला रही है तू, पिछले हफ्ते इसने तुझे 7 रुपए दिए थे ना? नहीं सासू जी। वो क्या है माई, ये जब पिछले हफ्ते बनिया के दुकान पे गई थी ना तब हिसाब में थोड़ी गड़बड़ नहीं हुई थी? ये लो 2 रुपए। माई हिसाब बराबर हो गया, अभी वो 3 रुपए है संभाल के रखना, कल लगते हैं मुझे। बहू ला वो 3 रुपए मेरे पास रखवा दे। ला
पैसी, तुम इसमें पैसे रखती हो? पहले तो चूल्हे के पीछे रखती थी। हाँ, तू जानती है दानी माँ पैसे कहाँ रखती है पता है? कहाँ? दादाजी जहाँ बैठते हैं ना, वहाँ एक छोटा सा कोना है वहाँ। अच्छा। जरा हटिए तो, हटिए। घटिया? घटिया किसे कहती है तू? ये भगवान, मैंने घटिया नहीं कहा था, हटिए। घटिया नहीं कहा, कहोगी कैसे? मैं तुम्हारी ऐसी वैसी बातें थोड़ी ही सुनूंगा। जरा धीरे, घर में बहुए हैं, बच्चे हैं। कच्चे? मैं कच्चा हूँ और तू पक्की है। अच्छा हटो, हटो। तू क्या तेरा बटवा ढूंढ रही है? तो क्या तुम्हें मिल गया? ये ले, कोई उठा दे ले, इसलिए छिपा के रखा था। हे भगवान, कल तो उसमें 12 रुपए थे, आज 10 है। तुम्हें वो भी पता है? हाँ, तो 2 रुपए कहाँ गए? दादू जी, आपने वो बनिया को दिए थे ना बीड़ी खरीदी तब। अच्छा, तो इसमें से पैसे ऐसे गायब हो रहे हैं? तू क्या कह रही है, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता? हाँ, अब तुम्हें सुनाई भी नहीं देगा। अब मैं तुम्हारे बटवे के बारे में सब लोगों को बोल दूँ? अच्छा, अच्छा, बस करो। घर के काम काज होते हैं, बैठो जेठानी। अरे, ये जब से सहकारी मंडली की बात चली है ना, घर के झगड़े झमेले ही बढ़ गए। अब मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है, हर दम में रखती रहती हूँ, याद भी करती रहती हूँ, लेकिन पता ही नहीं चलता। कल मैंने मटके में 54 रखी थी या 58 रखी थी, परसों 5 रुपए रखे थे या 7 रुपए रखे थे। हमारी नानी बहू ने तो पूरी दीवार खराब कर रखी है, कोयले से डंडिया बनाती रहती है और मिटाती रहती है। मैं देखा है सासू जी तो। अगर हिसाब याद ही नहीं रहता तो पैसे कैसे बचा सकेंगे? इसीलिए तो साहूकार और पाटिल का मुनीम दोनों बड़ी बड़ी चोपड़ियों में हिसाब लिखते रहते हैं। लो, आ गए ना लिखने की बात। वही तो मैं भी कह रही हूँ, अगर हमें मंडली ठीक से चलानी है तो हमें हिसाब की चोपड़ी रखनी पड़ेगी, जैसी हमारी स्कूल में है। बस अब क्या मुश्किल है, तू ही मंडली का हिसाब लिख ले। हिसाब तो लिख देगी, पर पढ़ेगा कौन? हाँ, हम में से कोई पढ़ भी नहीं सकता। तो तेरे लक्ष्मी को क्यों नहीं पढ़ाती? हाँ हाँ, परमेश्वरी अगर पढ़ना लिखना सीख सकती है तो ये भी सीख सकती है। तो कल से शुरू कर दूं पढ़ाई? तो मैं भी पढ़ना लिखना सीखूंगी। और मैं भी? तू पहले घर का काम सीख ले। हाँ, घर में एक पढ़ने लिखने वाली हो तो दूसरी के लिए घर गृहस्थी संभालना ही ठीक होगा। हाँ। तो क्यों रोने लगी? मैं तुम दोनों को पढ़ना लिखना सिखाऊंगी, सबके सामने ना सही, चुपके से। हिम्मती सी तू मेरी बहना, सुन ले दिल से मेरा कहना, थाम ले अब तू मेरा हाथ, पढ़ना आगे मेरे साथ। ये है रास्ता 3 कदम का, बचत एकता साक्षरता का, एक दूजे का साथ निभाए, सिक्का सिक्का जोड़ते जाए, अक्षर अक्षर लिखते जाए। नहीं तो काला अक्षर भैंस बराबर, भैंस बराबर मेरी जिंदगी, भैंस बराबर, भैंस बराबर मेरी, भैंस बराबर, भैंस बराबर काला अक्षर भैंस बराबर, भैंस बराबर बराबर, भैंस बराबर, भैंस बराबर।